तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ शेख कबाब। इसका इंग्रेडिएंट ये है, देख लीजिए। ये मैंने अच्छे से पीस लिया है, इसको बोलते हैं फुटाने, उसे अच्छा सा पीस लिया है। और ये है मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी 1/2 स्पून, और ये नमक आपके स्वाद अनुसार, और यह है गरम मसाला पाउडर, और यह है खोपरा, और यह है पुदीना, यह है लहसुन, यह 1/2 डली प्याज, और यह खोती हुई, और वो है करिया पाक। देखिए गैस इतनी चीज अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ओके तो अभी मैं इसे मिक्सी में डालकर अच्छे से ग्राइंड करके आपको मिलती हूँ। ये है रेडी हमारा खैमा। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड करके पीस लिया है मिक्सी में। अभी इसमें मैं मसाला, मेरा जो ग्रीन मसाला था वो उसको ऐड कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा ग्रीन होकर है पूरा, पुदीना, कोथिमीर, करिया पाक, प्याज थोड़ी सी ऐड की थी मैंने। और ये नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पूरा हमारे गरम मसाला, और ये जो सारा का सारा है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ओके अब ये हमारे हरियाली शेख कबाब बनाऊंगी। और मैं कुफ्तियाँ की ग्रेवी भी बना रही हूँ, इसमें ही से ही थोड़ा गोश्त ले लूंगी। ये 1/2 केजी गोश्त है ना, 1/2 केजी में से थोड़ा सा मैंने रख दिया था, थोड़ा सा, जस्ट पूरा नहीं, 1/2 केजी, पूरा 1/2 नहीं ली मैं। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, मिक्स करके इसको अच्छे से मसाले लगा दूंगी। देखिए ये पूरा अच्छे से मैंने रख दिया है। अभी इसे ढककर मैं प्लेट मूच कर रख दूंगी 1-20 मिनट्स के लिए। अच्छे से मसाले मेरे मैरिनेट अच्छे से लग जाएंगे तो मैं रख दूंगी। ओके मैंने एक स्पून लिया है, हाथ को थोड़ा सा तेल लगाई हूँ। अभी कढ़ाई में हमारे पैन में तेल डाल के रेडी रखी हूँ। अभी देखिए जाए ऐसे गोश्त को ऐसे लगा लूंगी मैं अच्छे से हमारे शीख के लिए। देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं। प्लीज ये आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखिए गाइस अभी मैं इसका इसमें ऐड कर रही हूँ मसाला। तो देखिए जल रहे हैं ये। देखिए गाइस अब रेडी हो जाएंगे हम थोड़ी देर में। आप भी एक मैं ट्राई कर, एकदम से नहीं पलटाते वरना टूट जाएंगे। पहले अच्छे से थोड़ा एक साइड पक जाने दीजिए, उसके बाद में हल्के से आप उसको और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ये रेसिपी आप भी बना सकते हैं घर में। देखिए मैं हल्के से इसको ऐसे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी यमी यमी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये रेसिपी आपको पसंद आई तो आप घर में भी कर सकते हैं। और देखिए गाइस माशाल्लाह, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए कितनी यमी यमी है। अभी इसको हम बनने के बाद में बिस्मिल्लाह करते हैं। आप भी आइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा, देखिए माशाल्लाह। देखिए गाइस हल्की हल्की से आपको ऐसे पलटाना होगा, सूट पर दिखा दे सकते हैं। देखिए ये ऐसे भी आप अपने, तो ये है रेडी हमारे शेख कबाब। वाव गाइस लुकिंग सो ब्यूटीफुल, खाने में भी इतने ही टेस्टी हैं। इंशाल्लाह आप भी अपने घरों में ऐसे बनाना मत भूलिएगा। देखिए गाइस आप अपने दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आइए आप भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।